Welcome to video lecture series on reinforced cement concrete design. In this lecture we will see a design types of problem. In last lectures we have seen the analysis type of numericals. Now we will see the design types of numericals. ठीक है, तो अभी जब design types of numericals रहते हैं तो उसमें क्या data हमें given रह सकता है और हमें क्या output निकालना है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो हमें generally जो find out करना रहता है वो रहता है width of beam and depth of section. जो भी सेक्शन हम डिज़ाइन करने वाले हैं दैट, तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ सेक्शन तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, बी और डी. ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए एस टी, तो हमें ये ए एस टी कैलकुलेट करना है. ठीक है, अभी जो हम न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं दोज आर सिंगली रेनफोर्स सेक्शन. अब ये सिंगली रेनफोर्स सेक्शन क्या रहता है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन ये रहता है जहाँ पे हम स्टील सिर्फ टेंशन साइड में प्रोवाइड करते हैं, या फिर स्टील हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि स्टील का जो काम रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ टेंशन लेना रहेगा, और जितना भी कॉम्प्रेशन रहेगा वो कौन लेगा, कंक्रीट लेगा. राइट, सी यू कॉन्क्रीट लेगा और टी यू स्टील रहेगा. लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि आर्किटेक्ट हमें साइज़ की डेप्थ की लिमिट देते हैं और वो रीज़न से फिर हम सिंपली सपोर्टेड और सिंगली रेनफोर्स बीम डिज़ाइन नहीं कर सकते. अब वो कंडीशन में हमें क्या करना पड़ता है, बीम की डेप्थ रिड्यूस करनी पड़ती है, और बीम की डेप्थ अगर हमें रिड्यूस करनी है तो कंक्रीट का एरिया रिड्यूस हो जाएगा, और फिर वो कंडीशन में कॉम्प्रेशन लेने के लिए भी हम स्टील पुट करते हैं. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ बीम्स आर नोन एज डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन. डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन मीन्स स्टील इज प्रोवाइडेड इन बोथ टेंशन एरिया एज वेल एज इन कॉम्प्रेशन एरिया, एंड स्टील का काम वहाँ पे क्या रहेगा, टेंशन लेना भी रहेगा और कॉम्प्रेशन लेना भी रहेगा. तो कुछ कॉम्प्रेशन कॉन्क्रीट लेगा और जो रिमेनिंग कॉम्प्रेशन है वो कौन लेगा, स्टील लेगा, और जहाँ पे टेंशन आ रहा है वहाँ पे स्टील टेंशन ले ही रहा है. ठीक है, तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का मतलब अभी क्या रहेगा, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन अगर आपने किसी ने पूछा कि सिंगली रेनफोर्स सेक्शन मीन्स व्हाट, तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन मीन्स वेयर इन विच इन दिस सेक्शन ओनली स्टील टेक्स द टेंशन वेयर एज कॉन्क्रीट टेक द कॉम्प्रेशन. और अगर हमें पूछा कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन का मतलब क्या होता है, तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन तब डिज़ाइन किया जाता है जब हमें डेप्थ के रेस्ट्रिक्शंस रहती है और वो कंडीशन में इनफ कॉन्क्रीट का एरिया नहीं रहता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस लेने के लिए. राइट, तो वो कंडीशन में हम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस लेने के लिए स्टील का यूज़ करते हैं, या फिर कॉम्प्रेशन एरिया में हम स्टील पुट करते हैं, सच टाइप ऑफ. तो यहाँ पे क्या हो गया कि स्टील जो है वो कॉम्प्रेशन भी ले रहा है और टेंशन भी ले रहा है, एंड देयरफॉर इट इज़ नोन एज डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन. ओके, सो करंटली जो हम डिज़ाइन देख रहे हैं दिस इज सिंगली रेनफोर्स सेक्शन, इसके बाद जो हम देखेंगे वो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन देखेंगे. ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, बी और डी, और क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ स्टील, और हमें डिसाइड करना है कि कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट हम यूज़ करना है या फिर कौन से ग्रेड का स्टील हमें यूज़ करना है. तो जनरली हम जब नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं या फिर जी प्लस थ्री तक के बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं तो हमारा जो ग्रेड ऑफ स्टील रहता है वो रहता है M20, और ग्रेड ऑफ स्टील जो रहता है वो रहता है 415, और ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो रहता है वो रहता है M20. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स की तरफ हम जाते हैं या फिर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स की तरफ हम जाते हैं तो वो केस में हमें ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट जो है वो भी बढ़ाना पड़ता है और ग्रेड ऑफ स्टील भी हमें बढ़ाना पड़ता है. ठीक है, तो ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल में गिवन रहे या फिर आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़े. ठीक है, अभी गिवन क्या क्या रहेगा, तो इफेक्टिव लेंथ गिवन रह सकती है, अगर नहीं रही तो आपको कोई तो भी एक लेंथ गिवन रहेंगी, आइदर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन रहेगा या फिर क्लियर स्पैन गिवन रहेगा, और डिपेंडिंग अपॉन दैट आपको इफेक्टिव लेंथ निकालनी है. इफेक्टिव लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देखा है. ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अलग फॉर्मूलेज है. नेक्स्ट, लोडिंग और मूवमेंट हमें गिवन रहेगा, अगर लोडिंग गिवन रही तो आपको मूवमेंट कैलकुलेट करना है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बीम. राइट, सिंपली सपोर्टेड के लिए WL² / 8, कैंटिलीवर के लिए WL² / 2, कंटिन्यूअस के लिए WL² / 12, और अगर डायरेक्टली मूवमेंट गिवन रहा तो फिर सवाल ही नहीं आता है कि आपको कैलकुलेशंस करने पड़े. एंड लास्ट वन इज बाउंड्री कंडीशंस, मींस टाइप ऑफ बीम, वेदर इट इज सिंपली सपोर्टेड बीम, वेदर इट इज कंटिन्यूअस बीम और अ कैंटिलीवर बीम. राइट, तो ये डेटा हमें गिवन रह सकता है और ये डेटा हमें कैलकुलेट करना है या फिर अज्यूम करना है. तो ये बी और डी हमें कैलकुलेट करना है, ए एस टी हमें कैलकुलेट करना है, M20 एंड 415 हम अज्यूम करेंगे. अब जब हम फाइनली डिज़ाइन कर लेंगे तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, और ये दो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो सेक्शन है वो कैसा रहना चाहिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहना चाहिए. अब अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्यों रहना चाहिए ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. राइट, तो अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेक्शन कैसा रहना चाहिए, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहना चाहिए.
और अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक कि जो परसेंट प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड स्टील या पीटी प्रोवाइडेड, परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइडेड शुड बी लेस देन पीटी लिमिट, ये आपको ध्यान में रखना है कि पीटी प्रोवाइडेड शुड बी लेस देन पीटी लिमिट। पीटी लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने इसके पहले के लेक्चर्स में देखा है। ओके, और दूसरा हमें क्या ध्यान में रखना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन MU, MR शुड बी ग्रेटर देन MU। ठीक है, तो जब पीटी प्रोवाइडेड पीटी लिमिट से कम रहेगा तो अंडर एनफोर्स सेक्शन रहेगा, जब पीटी प्रोवाइडेड पीटी लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो ओवर एनफोर्स सेक्शन हो जाएगा। हमें ओवर एनफोर्स सेक्शन डिजाइन नहीं करना है, हमें अंडर एनफोर्स डिजाइन। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है और MU, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, MU यानी ड्यू टू लोडिंग, ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग जो मोमेंट डेवलप हो रहा है दैट इज नोन एज MU। ठीक है, और MR क्या होता है, तो जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है, जैसे स्टील की स्ट्रेंथ है 415, कंक्रीट की स्ट्रेंथ है 20, और जो हमने सेक्शन प्रोवाइड किया है बी और डी, और जितना हमने स्टील प्रोवाइड किया है उसमें एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट के हिसाब से, जो वो रेजिस्ट करने की जो मोमेंट है, वो जो सेक्शन मोमेंट को रेजिस्ट करेगा दैट इज नोन एज मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमें अगर MU कैलकुलेट करना है तो हमारे पास फॉर्मूले कैसे हैं, WL स्क्वायर बाय सिंपली सपोर्टेड के लिए, WL स्क्वायर बाय 2 कैंटिलीवर के लिए, WL स्क्वायर बाय 12 कंटिन्यूअस या फिक्स बीम के लिए, राइट। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, तो QFC के BD स्क्वायर है ना, हमने देखा था फॉर्मूला QFC के BD स्क्वायर, अगर 415 रहा तो 0.138 FC के BD स्क्वायर, इससे आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये जो दो चीजें हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमें ध्यान में रखनी है, पीटी प्रोवाइडेड एएसटी प्रोवाइडेड से जो पीटी निकलता है दैट शुड बी लेस देन पीटी लिमिट, और दूसरा एमआर शुड बी ग्रेटर देन एमयू, क्योंकि जो बीम की ताकत है वो उस पर आने वाले मोमेंट से हमेशा कैसे रहनी चाहिए, ज़्यादा, और बीम की ताकत कौन है एमआर, और आने वाला लोडिंग कौन है एमयू, बस इतना ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, एमआर मीन्स जो बीम की स्ट्रेंथ है, ताकत है टू रेजिस्ट दैट मोमेंट, और एमयू मीन्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग जो मोमेंट आ रहा है वो। ओके, ठीक है, तो अभी कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स के साथ साथ ही हम एक न्यूमेरिकल लेंगे सो दैट कि आपको स्टेप्स भी पता चल जाएंगे और वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल में क्या दिया है, ओके, तो न्यूमेरिकल में दिया है फर्स्ट थिंग सिंपली सपोर्टेड बीम एक गिवन है, सेकेंड सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन है विच इज इक्वल्स टू 8 मीटर, तीसरा विड्थ ऑफ सपोर्ट गिवन है, विड्थ ऑफ सपोर्ट गिवन है 300 mm, ओके, चौथा इम्पोज लोड गिवन है, इम्पोज लोड को ही हम कह सकते हैं लाइव लोड, वो कितना गिवन है 7 kN/m, ओके, और हमें गिवन है वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट 20 N/mm², सिक्स्थ ग्रेड ऑफ स्टील दैट इज 415 N/mm², सो दिस डेटा इज गिवन टू अस। तो हम इसको अभी थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, ठीक है, तो ये सभी डेटा हमें गिवन है। अब हम देखते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम, थोड़ा सा बीम हम निकाल के देखते हैं यहाँ पे कैसा है। ठीक है, तो कुछ ऐसे बीम है और ये जो है दिस इज ब्रिक वॉल, दिस इज
brick wall. Okay. And this portion is beam जो हमें डिजाइन करना है ना, ये बीम की डेप्थ कितनी आएंगी, विड्थ कितनी आएंगी, हमें डिजाइन करना है। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट का थिकनेस दिया है, कितना दिया है 300 mm दोनों साइड में, ठीक है, ये हमें गिवन है 300 mm। और क्या गिवन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो इसके सेंटर से तो इसके सेंटर तक का डिस्टेंस गिवन है, वो कितना दिया है 8 meter। चलो ठीक है, तो ये डेटा हमें गिवन है। तो क्या है कि एक फॉर एग्जांपल एक रूम है और उसके ऊपर एक बीम डाला हुआ है, तो दोनों तरफ से क्या रहेंगे, ब्रिक वॉल्स रहेंगी और उसके ऊपर बीम है। ओके, अब ये तो हो गया गिवन डेटा। अब हम जाते हैं कि कैलकुलेशन स्टेप्स क्या है हमारे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट द इफेक्टिव स्पैन, अगर दिया है तो आपको वही यूज़ करना है, अगर नहीं दिया है तो वो केस में कैलकुलेट करना है। अब इफेक्टिव स्पैन कैलकुलेट करने के लिए IS कोड ने दो फॉर्मूले दिए हैं, राइट, वन इज क्लियर स्पैन प्लस डेप्थ ऑफ बीम और दूसरा है क्लियर स्पैन प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट। ये दो फॉर्मूले, और दोनों में से जो कम रहेगा वो हमें लेना है, ठीक है। तो हम एक बार यहाँ पे जाते हैं, फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए IS कोड के दो फॉर्मूले हैं, LE इज इक्वल्स टू LC प्लस D एंड LE इज इक्वल्स टू LC प्लस BW, ठीक है। और ये दोनों में से जो कम रहेगा, लेसर ऑफ दिस टू, हमें लेना है। अब हमें, और हमारे पास BW है, LC है, हमारे पास क्या नहीं है, D नहीं है, और हमें ये D कैलकुलेट करना है। तो D कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, D कैलकुलेट करने के लिए हम सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं यहाँ पे वो टॉपिक मार्क करता हूँ, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये पूरे न्यूमेरिकल में दो तरीके से डी कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। डी फॉर सर्विसेबिलिटी एंड डी फॉर कोलैप्स, डी फॉर सर्विसेबिलिटी एंड डी फॉर कोलैप्स। अब डी फॉर सर्विसेबिलिटी क्या चेक करता है, वो चेक करता है कि जो डिफ्लेक्शन है वो नेकेड आइज से विजिबल ना हो और उसमें कुछ क्रैक्स विजिबल ना हो। और डी फॉर कोलैप्स क्या चेक करता है कि जो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट बीम पे आ रहा है वो उसे आसानी से विदाउट एनी फेलियर रेजिस्ट कर सके, इसे वो रहेगा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो जैसे मैंने बोला, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डी हमें जो कैलकुलेट करना है वो दो तरीके से कैलकुलेट करना है, एक है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी और दूसरा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या करेगा, वो ये चेक करेगा, ये एश्योर करेगा कि जो बीम है उसका डिफ्लेक्शन जो रहेगा, डिफ्लेक्शन तो रहेगा लेकिन डिफ्लेक्शन जो रहेगा वो नेकेड आइज से विजिबल ना रहे, सो दैट वी विल फील सेफ अंडर दैट बीम और दैट रूफ। सिमिलरली जो क्रैक्स आएंगी वो क्रैक्स विजिबल ना रहे। और लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या करेगा, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स ये अश्योर करेगा कि एक्सटर्नल लोडिंग के वजह से जो बेंडिंग मोमेंट और जो शियर फोर्स आ रहा है वो हमारा सेक्शन ईजीली रेजिस्ट कर ले विदाउट एनी फेलियर, ठीक है। तो अभी जो हम डी कैलकुलेट करने वाले हैं वो डी कैलकुलेट करने वाले हैं सर्विसेबिलिटी से लेके। अब सर्विसेबिलिटी के लिए IS कोड ने हमें कुछ फॉर्मूले दिए, वो फॉर्मूले देख लेते हैं। IS कोड ने कहा है कि अगर कैंटिलीवर बीम रहा तो आप अप्रोक्सीमेटली इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज स्पैन बाय 7। सिमिलरली सिंपली सपोर्टेड के लिए दिया है स्पैन बाय 20 और कंटिन्यूस के लिए दिया है स्पैन बाय 26। अब ये ऐसा क्यों दिया है, कैंटिलीवर के लिए कम, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए सबसे ज़्यादा, राइट। तो ये हम बाद में देखेंगे, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको ये आइडिया आ जाएंगी कि ये कैंटिलीवर के लिए कम रहता है और कंटिन्यूस के लिए ज़्यादा क्यों रहता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि हम दो तरीके से डी कैलकुलेट करने वाले हैं, वन इज सर्विसेबिलिटी, दूसरा सेकेंड वन इज कोलैप्स। तो अभी हम सर्विसेबिलिटी से कैलकुलेट करने वाले हैं और ये है सर्विसेबिलिटी का
क्राइटेरिया जो आईएस कोड में गिवन है, ठीक है। तो इससे हम कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हमारा बीम कौन सा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, स्पैन बाय 20 का। सो हम निकालेंगे डी फॉर सर्विसेबिलिटी, है ना, डी फॉर सर्विसेबिलिटी। सो डी इज इक्वल्स टू स्पैन बाय 20। तो अभी हम स्पैन कंसीडर कर ले, ये अप्रोक्सीमेट रहता है, इसलिए अगर क्लियर स्पैन दिया रहा तो आप क्लियर स्पैन ले, अगर इफेक्टिव स्पैन दिया रहा तो आप इफेक्टिव स्पैन ले, ठीक है, दिस इज अप्रोक्सीमेट। तो स्पैन हमें गिवन है 8 मीटर, तो मुझे इसको कन्वर्ट करने दीजिए 8000 mm डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल्स टू 400 mm, राइट। सो ये डी हमें हमारे पास आ गया। अभी ये डी का यूज करके हम LE निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या क्राइटेरिया था, LC प्लस D। अभी LC हमें पता नहीं है, लेकिन LC हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया है और ये LC कितना होता है, इतना, करेक्ट। तो अगर ये 300 है तो इसमें क्या हाफ माइनस करना पड़ेगा और इसमें से हाफ माइनस करना पड़ेगा, यानी जो LC हो जाएगा वो हो जाएगा 8000 माइनस 300, राइट, 150 फ्रॉम दिस साइड, 150 फ्रॉम अदर साइड, सो ये हो जाएगा 7700। तो हमारा क्लियर स्पैन तो मिल गया हमें, तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए 7700 प्लस डी, कितना निकाला था अभी हमने, 400, और दूसरा जो है हमारा वो है 7700 प्लस BW कितना है, 300। तो पहले क्राइटेरिया से हमें मिल जाता है A से 3100 और B से, सॉरी 8100 और B से 8000 mm। तो ये दोनों में से हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा, लेसर वन यूज करना पड़ेगा, राइट। तो मैं फाइनली यहाँ पे लिखता हूँ, हमारा जो इफेक्टिव लेंथ है वो है 8000 mm, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं ये यहाँ पे साइड में रखता हूँ, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट डी यूजिंग दिस टू क्राइटेरियाज। सिमिलरली अभी हमारा काम हो गया, हमें इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करनी थी और इफेक्टिव लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, जो आई हमारी 8000 mm, ठीक है। अभी इसे हम साइड में ले लेते हैं, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेकेंड स्टेप है परसेंटेज ऑफ स्टील अज्यूम करना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले दो पॉइंट्स कि हमें क्या एश्योर करना है, हमें यह एश्योर करना है कि हमारा जो परसेंटेज प्रोवाइडेड रहेगा दैट शुड बी लेस देन PT लिमिट, ओके। तो PT लिमिट अभी कैलकुलेट करनी है, PT लिमिट कैलकुलेट करने के लिए PT कैलकुलेट करना है, और PT का फॉर्मूला रहेगा 75% ऑफ PT लिमिट, और PT लिमिट के फॉर्मूले यहाँ पे दिए, अगर ग्रेड ऑफ स्टील 250 रहा तो 0.088 FCK, इसका हमने डेरिवेशन भी देखा था लास्ट लेक्चर्स में, ठीक है। अगर 415 रहा तो 0.048 FCK, और अगर 500 रहा तो 0.038 FCK। अभी हमारे केस में क्या है, 415 है, तो हमारा PT लिमिट कितना हो जाएगा, PT लिमिट हो जाएगा 0.048 FCK, राइट। और PT जो रहेगा वो रहेगा 75% ऑफ PT लिमिट। अब ऐसा क्यों, तो अभी हम इनिशियली 75% इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम फाइनली नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे तो कभी कभी हो सकता है कि नंबर ऑफ बार्स आ जाए आपके 4.2। अब हम 4.2 तो प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट, और ना ही हम 4 प्रोवाइड कर सकते क्योंकि हम रिक्वायर्ड से कम AST नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो वो कंडीशन में हम प्रोवाइड करेंगे 5, और वो कंडीशन में अगर हमने अभी 75% नहीं लिया तो हो सकता है कि हमारा बीम बाद में ओवर रेनफोर्स्ड हो जाए, इसलिए हम अभी 25% कम कंसिडर करेंगे। इसलिए हम यहाँ पे PT जो है वो हमारा 75% ऑफ PT लिमिट अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं अभी कैलकुलेशंस की तरफ। तो हमारे सेकेंड स्टेप PT और परसेंटेज
ऑफ स्टील। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे पीटी लिमिट। पीटी लिमिट का जो फॉर्मूला है दैट इज 0.048 FCK, राइट। यहाँ पे दिया है 0.048 FCK, तो 0.048 इंटू 20 तो ये आ जाएगा 0.96%। तो ये हो गया हमारा पीटी लिमिट। अब हम कैलकुलेट करेंगे पीटी। सो पीटी इज इक्वल्स टू 75% ऑफ पीटी लिमिट। सो 0.75 इंटू 0.96 विच इज इक्वल्स टू 0.72%, राइट। तो ये आ गया हमारा पीटी 0.72%। अभी आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो ये पीटी लिमिट और दूसरा पीटी। पीटी हमारा 0.72% है और पीटी लिमिट 0.96% है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं अभी हम। नेक्स्ट स्टेप है मॉडिफाइंग इफेक्टिव डेप्थ फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील। अभी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके फर्स्ट स्टेप में मैंने डिस्कस किया था स्पैन बाय 7 फॉर कैलकुलेटिंग डेप्थ इफ इट इज कैंटिलीवर, स्पैन बाय 20 फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और स्पैन बाय 26 फॉर कंटिन्यूस बीम। ये जो फॉर्मूले आईएस कोड ने दिए है ये प्लेन कॉन्क्रीट के लिए दिए है जहाँ पे स्टील प्रोवाइडेड नहीं रहता, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम दो एक बीम बनाते हैं, एक सिर्फ आप कॉन्क्रीट का बीम बनाना है आपको, और एक ऐसा बीम बनाना है जिसमें कॉन्क्रीट और स्टील दोनों रहेंगे, और दोनों के ऊपर आप 20-20 kg का लोड पुट कर रहे हो। तो आपको ऐसा बीम डिज़ाइन करना है जो 20 kg लोड सस्टेन करे, एक बीम रहेगा कॉन्क्रीट का और एक बीम रहेगा कॉन्क्रीट और स्टील दोनों का। तो अभी आप जब फाइनली डेप्थ कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कॉन्क्रीट का जो बीम है, सिर्फ कॉन्क्रीट का जिसमें स्टील नहीं है, उसकी डेप्थ काफ़ी ज़्यादा रहेंगी, और जिस बीम में आपने स्टील प्रोवाइड किया है उसकी डेप्थ कम रहेंगी, राइट। इट इज़ कॉमन सेंस, जैसे हम स्टील प्रोवाइड करेंगे तो उसकी डेप्थ कम हो जाएंगी। सिमिलरली आईएस कोड ने जो फॉर्मूले दिए थे वो फॉर्मूले दिए थे सिर्फ कॉन्क्रीट के लिए, प्लेन कॉन्क्रीट के लिए। तो जैसे अभी हमने 0.72% स्टील अज्यूम किया था, राइट, कैलकुलेट किया था यहाँ पे, जैसे हम ये 0.72% स्टील उसमें प्रोवाइड करेंगे तो वो जो रिक्वायर्ड डेप्थ थी वो रिक्वायर्ड डेप्थ हमारी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए ये रहता है मॉडिफिकेशन फैक्टर। अब ये मॉडिफिकेशन फैक्टर के लिए कहाँ जाना है आपको, तो आईएस 456 के पेज नंबर 38 पे फिगर नंबर 4 गिवन है, ये फिगर का यूज़ करके हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दो चीज़ें हमें चाहिए मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं मॉडिफिकेशन फैक्टर, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको चाहिए FS और दूसरा चाहिए आपको PT। तो PT आपके पास अवेलेबल है 0.72%, राइट। वॉट अबाउट FS, तो FS का ये फॉर्मूला दिया है अगेन ऑन पेज नंबर 38, 0.58 FY AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड। अब हमारे पास ना AST रिक्वायर्ड है अभी फिलहाल, ना प्रोवाइडेड है, राइट। तो अभी फॉर इंस्टेंट हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि AST रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू AST प्रोवाइडेड है, तो अगर दोनों इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा 1, और फाइनल हमारा FS का फॉर्मूला हो जाएगा 0.58 इंटू FY। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 0.58 इंटू FY कितना है 415, तो इसका आंसर आ जाएगा 240.7 न्यूटन पर mm². अभी हमें FS मिल गया और PT मिल गया। अब ये देखते हैं ग्राफ। ये ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे दिया है परसेंटेज ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ दिस इज टेंशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। कॉम्प्रेशन रेनफोर्समेंट का अलग से ग्राफ दिया है। वाई एक्सिस पे दिया है मॉडिफिकेशन फैक्टर, और यहाँ पे कुछ आपको कर्व्स दिखेंगे, दिस कर्व इज फॉर FS। अब हमारे केस में FS कितना है 240, तो क्या हम ये कर्व सिलेक्ट कर सकते हैं, यस डेफिनेटली हम ये कर्व सिलेक्ट कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ FS आपको कर्व सिलेक्ट करनी है, तो मैंने अभी ये कर्व सिलेक्ट कर ली। फिर आपको ये 0.72% लोकेट करना है, तो ये x एक्सिस पे जाएंगे हम, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0.4 है, तो यहाँ पे कितना रहेगा 0.2, 4 और 8 है तो यहाँ पे कितना रहेगा 0.6। हमारा परसेंट कितना है 0.72, यानी 0.6 और 0.8 के बीच में रहेगा कहीं तो भी, तो फिलहाल मुझे यहाँ पे मार्क करने दीजिए 0.7। और अगर मुझे मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ अप टू द कर्व, तो कहीं तो भी यहाँ पे
इंटरसेक्शन होगा ये दोनों का, 240 के कर्व का, राइट, ये कर्व का और 0.72 के परसेंट का। इसको आप यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रोलॉन्ग कीजिए, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 0.8 है, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना है 1.2, ये दोनों के बीच में आ रहा है कहीं तो भी, तो हमारा मॉडिफिकेशन फैक्टर हो सकता है 1.1। तो ये ग्राफ पे से हमने फाइनली मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया है 1.1। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप, हमें क्या कैलकुलेट करना था, मॉडिफिकेशन फैक्टर कैलकुलेट करना था। तो मॉडिफिकेशन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया 1.1, और हमें मॉडिफाई करनी है जो हमारी पुरानी डेप्थ है। तो पुरानी डेप्थ कितनी थी, 400 है, इसको हमें मॉडिफाई करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डी मॉडिफाइड इज इक्वल्स टू स्पैन, अभी स्पैन कितना है हमारा 8000 डिवाइडेड बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर 1.1, और हमारा फॉर्मूला क्या था, स्पैन बाय 20 सिंस इट इज सिंपली सपोर्टेड। तो इसे हमने पुट किया, और हमें इस पे से जो डी मिलेगा दैट डी इज 363.63 mm। ठीक है, अभी काफी रेफरेंस बुक में आप इसको कन्वर्ट करोगे 365 में अप्रोक्सीमेटली, या फिर 370 में, बट आई विल सजेस्ट यू टू ऑलवेज राउंड अप इन मल्टीपल्स ऑफ 25। द रीजन इज वेरी सिंपल, साइड्स पे जो टेप या मेजरमेंट के लिए जो यूज करते हैं वो रहता है फीट और इंचेस में, और उनके पास जो फॉर्मवर्क अवेलेबल रहता है वो भी इन मल्टीपल्स ऑफ इंचेस रहता है, राइट। सो 1 inch इज इक्वल्स टू 25 mm, एंड देयरफॉर आई विल सजेस्ट यू ऑलवेज राउंड अप और राउंड डाउन बाय मल्टीपल्स ऑफ 25। एज फार एज डेप्थ इज कंसर्न, जहां तक डेप्थ का सवाल है वो हमेशा हम राउंड अप करते हैं, कभी भी उसे हम राउंड डाउन नहीं करते, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हमने डेप्थ निकाली थी 363, इसे हमें क्या करना है, राउंड अप करना है। अब राउंड अप 365 भी कर सकते हैं, लेकिन हम कितना करेंगे, इन मल्टीपल्स ऑफ 25। तो मुझे यहाँ पे मॉडिफाइड डेप्थ को 375 करने दीजिए। अगर हमने यहाँ पे 375 मॉडिफाई किया, अभी हमें निकालनी है ओवरऑल डेप्थ, तो कैपिटल डी, कैपिटल डी कितनी रहती है, स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर। यहां पे हम इफेक्टिव कवर अज्यूम करेंगे 50 mm। ठीक है, यहां पे मुझे 50 mm अज्यूम करने दीजिए, बाद में आपको बताता हूं कि ये 50 mm क्यों अज्यूम किया है। तो जो कैपिटल डी आएगा वो आएगा 375 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 425 mm, राइट। तो हम इसे मार्क कर लेते अभी कि हमारा स्मॉल डी कितना है, इफेक्टिव डेप्थ 375 और कैपिटल डेप्थ 425। ओके, सो अभी हमारा स्टेप थ्री भी कंप्लीट हो गया है, जहां पे हमें डेप्थ को मॉडिफाई करना था। ठीक है, तो स्टेप थ्री का यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि आपको डी कैसे कैसे कैलकुलेट करने है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम रहा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है कैंटिलीवर के लिए, कंटिन्यूस के लिए, ओवरऑल डेप्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे हम इफेक्टिव कवर कितना लेंगे, 50 mm लेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट जो स्टेप है दैट इज विड्थ ऑफ बीम। अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विड्थ कितनी लेनी चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम केस में जो हम डेप्थ लेते हैं वो रहती है 230, जो कि हम 225 भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक हमारी ब्रिक रहती है, ब्रिक वॉल वो रहती है, और ये एक ब्रिक की जो फुल साइज रहती है वो रहती है 9 inch, और 9 inch को अगर हम कन्वर्ट करते हैं mm में तो यू विल गेट 225 mm, राइट। इसलिए 90% ऑफ टाइम हमारे जो बीम की डेप्थ रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 230 या 225 mm। कभी कभी हो सकता है कि हमें 300 mm भी लेना पड़े। ठीक है, तो आप जनरली मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आइदर यू शुड टेक 230 mm और 300 mm, और यू वी कैन ऑल्सो गो फॉर 250 mm, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हमें देखा जाए तो आइदर यू शुड गो फॉर 230 और फॉर 300। अगेन IS कोड ने कुछ फॉर्मूला दिया है अप्रोक्सीमेट विड्थ कैलकुलेट करने के लिए, दैट इज 0.6 into कैपिटल डी। तो अगर हम 0.6 into कैपिटल डी करते हैं तो 0.6
इनटू हमारा डी कितना आया था, 475, राइट। तो वो आ जाएगा 255 mm के आसपास। तो हम अभी हमारे ये न्यूमेरिकल के लिए हम जो डेप्थ सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं 250, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए, यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए स्टेप फोर, 1 2 3 हो गया हमारा, ये स्टेप फोर हो गया। स्टेप फोर मुझे लिखने दीजिए, लेट मी राइट डाउन हियर। सो विड्थ ऑफ बीम, राइट, विड्थ ऑफ बीम, और हम कितने लेने वाले हैं, बी बी लेने वाले हैं 250 mm। चलो तो हमारा स्टेप फोर भी हो गया, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, स्टेप नंबर फाइव। स्टेप नंबर फाइव इज लोड कैलकुलेशंस। ओके, तो लोड कैलकुलेशंस में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे आपको बताना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बीम है, दिस इज बीम, और ये इसके नीचे सपोर्ट था ब्रिक मेसनरी का, राइट, लाइक दिस। तो ये जो बीम है इसके ऊपर हो सकता है कि कुछ लाइव लोड रहे, और ये बीम का जो वेट रहता है इसका, इसे हम कहते हैं सेल्फ वेट, जिसे हम डेड लोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेल्फ वेट है ये डेड लोड के अंडर में आता है, और इसके ऊपर कुछ लाइव लोड होगा। ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो हो जाएगा डेड लोड प्लस लाइव लोड, और ये डेड लोड प्लस लाइव लोड इज सर्विस लोड, इसे हमें करना पड़ता है फैक्टर्ड। तो हो जाएगा 1.5 डेड लोड इंटू लाइव लोड, जिसे हम कहते हैं डिजाइन लोड या WD, राइट। तो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, WD इज डिजाइन लोड विच इज इक्वल्स टू 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड। अब डेड लोड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये बीम का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय उसकी डेंसिटी या यूनिट वेट, या फिर अगर हमें UDL में कन्वर्ट करना है तो डेड लोड इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यूनिट वेट ऑफ RCC। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू डी, और यूनिट वेट ऑफ RCC कितनी है, 25। जहाँ तक लाइव लोड का सवाल है वो आयदर आपको गिवन रहेगा, या फिर आपको अज्यूम करना है, या फिर आपको रेफर करना है IS 875 पार्ट 2 फॉर लाइव लोड। ओके, तो अभी हम ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं। स्टेप नंबर फाइव, लोड कैलकुलेशन। सबसे पहले हम डेड लोड कैलकुलेट कर लेंगे। सो क्या दिया था, बी इंटू डी इंटू 25। वॉट अबाउट बी, तो हमने बी अभी लिया 0.25, इसे मीटर में लेना है क्योंकि इसका जो यूनिट है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, इसलिए हमारे जो बाकी यूनिट्स रहने चाहिए वो भी मीटर में रहने चाहिए। वॉट अबाउट डी, सो स्मॉल डी कितना है, 0.375, सो 0.375 इंटू 25। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डेड लोड, लोड की वैल्यू आती है 2.67 किलो न्यूटन पर मीटर। लाइव लोड की वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है, कितनी दी है, 7 किलो न्यूटन पर मीटर। तो अगर हम लिखते हैं WD इज इक्वल्स टू 1.5 डेड लोड प्लस लाइव लोड, तो हमें WD का आंसर मिलेगा 14.48 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये डेड लोड इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमने अभी WD कैलकुलेट कर लिया। अभी WD के बाद हम कैलकुलेट करेंगे MU। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हमें फाइनली क्या अश्योर करना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी मोर देन MU, और MU मीन्स क्या रहता है, मोमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। तो अभी हम MU कैलकुलेट कर लेंगे। अब MU कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए फॉर्मूला है WD LE² / 8। अब WD हमने कैलकुलेट किया है 14.48, LE 8। अब ये 14.48 किलो न्यूटन मीटर में है, इसलिए हम LE किस में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, स्क्वायर बाय 8। तो यहाँ से हमें MU मिल जाएगा, और ये MU की वैल्यू आएंगी 115.84 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये MU किसके वजह से आ रहा है, ड्यू टू लोडिंग। तो ये MU हो गया अभी।
डन, ये हो गया हमारा स्टेप फोर। अभी हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। तो हमने फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं, चेक फॉर डेप्थ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डेप्थ हम दो तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, वन इज सर्विसेबिलिटी और सेकेंड वन इज कोलैप्स। कोलैप्स में आता है बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे मुझे पता है एम यू इज इक्वल्स टू सी यू इंटू जेड, सी यू इज इक्वल्स टू 0.36 एफ सी के एक्स यू बी एंड जेड इज डी माइनस 42 एक्स यू। इसको रीअरेंज करके ये फॉर्मूला बनाया गया है, ये फॉर्मूला आई एस कोड में भी अवेलेबल है, ठीक है। ये फॉर्मूले का यूज करके और जो मोमेंट अभी आई थी 115, उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे डी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए, अभी ये हमारी स्टेप्स नंबर 5, ये हो गई थी हमारी स्टेप नंबर 6। अभी आ जाएंगे स्टेप नंबर 7, डी सी सी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डी रिक्वायर्ड फॉर एम यू। ये जो एम यू हमने कैलकुलेट किया, इसे रेजिस्ट करने के लिए कितनी डी रिक्वायर्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एम यू इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, हमारा फॉर्मूला था सी यू इंटू जेड, राइट। सो 0.36 एक्स यू मैक्स बाय डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 0.42 इंटू एक्स यू मैक्स बाय डी इंटू बी डी स्क्वेयर एफ सी के। एक बार हम चेक कर लेते हैं फॉर्मूला, 0.36 एक्स यू मैक्स बाई डी इन ब्रैकेट 1 माइनस 42 एक्स यू मैक्स बाई डी बी डी स्क्वेयर एफ सी के। ओके, अब ये जो एक्स यू मैक्स बाई डी का फॉर्मूला है वो हमें पता है ना, हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था एक्स यू मैक्स इज इक्वल्स टू 0.48 डी एंड देयर फोर एक्स यू मैक्स बाई डी इज इक्वल्स टू 0.48। तो अभी यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, एम यू कितना है 115.84 इंटू 10^6 कर लेते हैं टू कन्वर्ट इट, ठीक है। उसके बाद 0.36 0.48 1 माइनस 0.42 इंटू 0.48 एक्स यू मैक्स बाई डी, बी कितना है 250 इंटू डी स्क्वेयर इंटू 20। तो इसको अगर हमने कैलकुलेटर में इक्वेशन में सॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा D इज इक्वल्स टू 409.79 विच इज अप्रोक्सीमेटली 425 mm, राइट। ठीक है, तो अभी देखो सर्विसेबिलिटी का क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम इफेक्ट टू डेप्थ कितनी चाहिए 375, लेकिन मोमेंट कैरी करने के लिए कम से कम डेप्थ कितनी चाहिए 425। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम कौन सी डेप्थ लेके चलेंगे, ये 425 mm वाली डेप्थ लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी डेप्थ कौन गवर्न कर रहा है। अगर सर्विसेबिलिटी गवर्न कर रही है तो आपको उसको लोडिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी डेप्थ गवर्न कर रही है मोमेंट या कोलैप्स तो आपको लोडिंग को रिवाइज करने की ज़रूरत है, ये ध्यान में रखना है आपको क्राइटेरिया, ठीक है। मैं फिर से आप एक बार रिपीट करता हूँ, हमारे पास दो डेप्थ है, एक हमने कैलकुलेट की थी सर्विसेबिलिटी से जो है 375, एक हमने कैलकुलेट की मोमेंट के लिए रिक्वायर्ड डेप्थ वो जो आई थी 409। अब ये दोनों में से बड़ी कौन सी है, 409 है, यानी हमारी डेप्थ कौन गवर्न कर रहा है, हमारी डेप्थ गवर्न कर रहा है मोमेंट, है ना, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। तो अगर हमारी डेप्थ गवर्न करता है सर्विसेबिलिटी तो देयर इज नो नीड फॉर रिवाइज लोडिंग कैलकुलेशन, बट इफ आवर डेप्थ इज गवर्न बाय एम यू या लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स देन देयर इज नीड ऑफ रिवाइज ऑफ लोडिंग कैलकुलेशन, देयर इज नीड टू रिवाइज अ लोडिंग कैलकुलेशन। अभी यहाँ पे ध्यान में रखना है, और एक आपको ट्रिक बताता हूँ मैं सो दैट कि बाद में आपको फिर से रिवाइज कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े एट दैट एंड, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि अगर यूअर डेप्थ इज गवर्न बाय लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स तो आप इसमें और 25 टू 50 mm ऐड कर दीजिए, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट कितनी थी 409, अभी मैं क्या करूँगा इसको 450 कर दूंगा, ठीक है। तो कितने से बढ़ा रहा हूँ मैं उसको, अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 mm से उसको इंक्रीज कर रहा हूँ, राइट। तो ये आप ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी यूअर डेप्थ इज गवर्न बाय लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, इफ डेप्थ इज गवर्न बाय लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी नो नीड टू चेंज द डेप्थ,
no need to do revised calculation. But if depth are governed by mu, limit state of collapse, so do increase depth by 25 to 50 mm and also do revised loading calculation. ठीक है, तो अभी हमारे केस में कौन govern कर रहा है? mu govern कर रहा है. तो let me write down. यहाँ पे मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने दीजिए. ठीक है, डेप्थ इज गवर्न बाय लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स. ओके, देयरफॉर इंक्रीज डेप्थ बाय 25 mm and do revision in load calculation. ठीक है, तो ये important point है. तो अभी हमारी डेप्थ 425 ही है, तो इसे हमें क्या करना है, 25 mm से बढ़ाना है. तो हमारी स्मॉल डी हो जाएंगी 450 mm और कैपिटल डी के लिए क्या करना है, उसमें 50 mm और बढ़ा देना है. राइट, तो ये हो जाएंगी 500 mm. राइट, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू स्मॉल डी प्लस इफेक्टिव कवर, इफेक्टिव कवर इज 50 mm. तो ये अभी हमारी रिवाइज डेप्थ होगी. अब अगर आप देखोगे, जब हमने लोड कैलकुलेशन किया था तो यहाँ पे डेप्थ कौन सी यूज की थी, 0.375, और उस पे से हमने डेड लोड कैलकुलेट किया था. तो हमारा डेड लोड अभी हम कम हो गया है ना. जितना एक्चुअल डेड लोड कितने कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम 450 से कैलकुलेट करेंगे. तो अभी हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, रिवाइज लोडिंग कैलकुलेशन. ओके, तो डेड लोड कैलकुलेट कर लेते हैं. फॉर्मूला पता है, 0.25, अभी इंस्टेड ऑफ 0.375 हम कितना लेंगे, 0.45 इंटू 25. तो डेड लोड आ जाएगा 3.125. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट करना है, ये आंसर्स ठीक है लेकिन यहाँ पे जो डी रहता है ये कैपिटल डी रहता है. ठीक, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दिस इज कैपिटल डी. तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस 375 क्या आ जाएगा, 425, और यहाँ पे भी कैपिटल डी है तो इंस्टेड ऑफ 0.45 यहाँ पे आ जाएगा 0.5. ओके, और हमारा आंसर आ जाएगा 3.125 किलो न्यूटन पर मीटर. दिस आंसर्स आर करेक्ट, सिर्फ यहाँ से गलती से 0.375 हो गया था जो कि एक्चुअली 0.425 चाहिए. ओके, तो डेड लोड आ गया. फिर हम कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू डी. अब डब्ल्यू डी का तो फॉर्मूला पता है आपको, तो यहाँ पे आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दिस 2.6, 3.125 प्लस 7 इंटू 1.5. तो डब्ल्यू डी जी आएगा, दैट डब्ल्यू डी इज इक्वल्स टू 15.19 किलो न्यूटन पर मीटर. ओके, एंड फॉर दिस डब्ल्यू डी वैल्यू ऑफ एम यू इज इक्वल्स टू, एम यू मीन्स डब्ल्यू डी एल ई स्क्वायर बाय 8, राइट, डब्ल्यू डी एल ई स्क्वायर बाय 8. तो इंस्टेड ऑफ 14.48 हम क्या यूज करेंगे, 15.19. तो MU आ जाएगा 121.5 किलो न्यूटन मीटर. ओके, अभी हमारा MU भी कैलकुलेट हो गया. तो ये रिवाइज लोडिंग कैलकुलेशंस हो गए. तो अभी आगे जो हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें D कितना लेंगे, 450, कैपिटल D 500 और MU कितना लेंगे, 121.5. अभी हम, ठीक है, तो अभी हमने एम यू कैलकुलेट कर लिया. अभी हमें फिर से चेक करना है डी रिक्वायर्ड, कि ये जो एम यू है इसके लिए डी रिक्वायर्ड कितना है. तो इसके लिए हम डी रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे. डी रिक्वायर्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी रिक्वायर्ड हमने कैसे कैलकुलेट किया था, तो ये फॉर्मूला यूज करके. ठीक है, ये फॉर्मूले में बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ 115.84 के जगह पे हमें क्या पुट करना है, 121.5, बाकी सब वैसे ही रखना है. और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद जो डी रिक्वायर्ड आएगा वो आएगा
419.68 mm². ये तो आपको समझ में आ गया, ये लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, इंस्टेड ऑफ 115 121.5 करना है। अभी डी रिक्वायर्ड कितना है, 419.68, और हमने डी प्रोवाइड कितना किया है, 450। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस इज लेस देन 450, दैट इज डी प्रोवाइडेड एंड देयर फोर ओके। तो चलो अभी हमारा ये काम, एक काम हो गया रिवाइज लोडिंग कैलकुलेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट एएसटी। तो आईएस कोड में कुछ क्लॉज दिए मिनिमम और मैक्सिमम एएसटी के लिए, सबसे पहले हम वो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप मिनिमम एएसटी कैलकुलेट करते हो तो जो मिनिमम एएसटी है उसके लिए फॉर्मूला है एएस इज इक्वल्स टू 0.8 एफवाई इनटू बीडी। अगर आप इसमें एफवाई की वैल्यू 415, बी की वैल्यू 250 और डी की वैल्यू 450 पुट करते हो तो यू विल गेट मिनिमम स्टील एस 230.42 mm². सिमिलरली मैक्सिमम स्टील के लिए क्या फॉर्मूला है, 0.04 इंटू बी इंटू डी, तो ये आ जाएगा 4500 mm². ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो स्टील कैलकुलेटेड स्टील है दैट शुड नॉट बी मोर देन 4500 एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 230। मान लो अगर ये इससे कम आ गया स्टील तो क्या करेंगे, कम से कम इतना प्रोवाइड करना है, और अगर इससे ज़्यादा आ गया तो वो केस में आपको पूरे कैलकुलेशंस रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो अभी हम एएसटी कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे एफसी के कितना लेना पड़ेगा, एफसी के लेंगे हम 20, एफवाई 415, एमयू हमने कैलकुलेट किया था 121.5, राइट, ये यहाँ पे कैलकुलेट किया है 121.5, बी 250, डी 450। अगर आप ये सब कैलकुलेट पुट करो तो यू विल गेट ए एस टी इज इक्वल्स टू 896.4 mm². अगर आप देखोगे तो इट इज नॉट लेस देन 230 एंड देयर फोर ओके, एंड इट इज नॉट ग्रेटर देन 4500, इट इज ऑल्सो ओके। सो दिस ए एस टी इज ओके। अब हमने ए एस टी कैलकुलेट कर ली, लेट मी राइट डाउन हियर। तो हमारा ये स्टेप नंबर 7 हो गया था, अभी हम स्टेप नंबर 8 की तरफ जाते हैं। स्टेप नंबर 8, यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना था, एएसटी। हमने एएसटी कैलकुलेट किया, कितना आया था वो 896.4 mm². अभी हम कैलकुलेट करते हैं पीटी परसेंट, इसका पीटी परसेंट कितना आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 896.4 अपॉन डी इंटू डी, यहाँ पे स्मॉल डी है, ठीक है, लेकिन जब हमने ये कैलकुलेशंस किए थे डेड लोड के तो कैपिटल डी लेना था, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पीटी आ जाएगा 0.797, राइट, एंड दिस इज लेस देन 0.96 एंड देयरफॉर ओके। तो ये भी हमें श्योर हो गया कि हमारा अभी भी सेक्शन अंडर एनफोर्स डी है, क्योंकि पीटी लिमिट से हमारा जो पीटी है वो कम है। फाइन, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमने एएसटी कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूले दिए, और 415 के लिए जो फॉर्मूला है वो है 0.13 एफसी के बीडी स्क्वायर। तो अगर हम यहां पे लिखते हैं एम आर, एम आर इज इक्वल्स टू 0.138, एफसी के कितना है 20, बी कितना है 250, डी कितना है 450 स्क्वायर, तो हमारा एम आर आ जाएगा, एम आर की वैल्यू आ जाएगी 139.72 किलो न्यूटन मीटर, विच इज़ ग्रेटर देन 121.5 किलो न्यूटन मीटर, दैट इज एम यू एंड देयर फोर ओके। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था दैट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन एम यू, सो लेट मी राइट डाउन हियर। स्टेप नंबर 9, हमारा एम आर कितना आया है,
MR आया 139.72 किलो न्यूटन मीटर, विच इज़ ग्रेटर देन 121.5 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ पे है ना, एंड देयर फोर ओके। तो चलो हमारे सब चेक भी हो गए, दो चेक थे कि पीटी प्रोवाइडेड का बाकी है अभी फिलहाल, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज समरी। तो हम समरी लिख लेते हैं अभी यहाँ पे, विड्थ ऑफ बीम कितना है 250 mm, ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम 500 mm, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम 450 mm, क्लियर कवर, तो क्लियर कवर की जगह पे इफेक्टिव कवर लिखते थे 50 mm, AST रिक्वायर्ड कितनी आई थी 896.4 mm square। चलो नंबर ऑफ बार्स यानी AST रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ वन बार, तो 12 mm का अगर बार लेते हैं तो उसका वन बार का एरिया कितना आता है 113.09 mm square, और अगर 16 mm का लेते हैं तो उसका एरिया आता है 201.6 mm square। तो अभी यहाँ पे हम लिखेंगे AST रिक्वायर्ड हमें पता है, डिवाइडेड बाय एक बार का एरिया हमें पता है, तो कितना हो जाता है नंबर ऑफ बार्स रिक्वायर्ड 4.45, ठीक है। तो ये अगर आपको याद होगा तो हमने बोला था कि हमें 75% ऑफ पीटी लिमिट अज्यूम करना है पीटी इज इक्वल्स टू, वो इसलिए कहा था क्योंकि हम यहाँ ये केस में 4.45 प्रोवाइड नहीं कर सकते, ना ही हम 4 प्रोवाइड कर सकते, तो हमें कितना प्रोवाइड करना है 5। तो हमारे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टील इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने वो 25% की मार्जिन रखी थी सो दैट कि हमारा सेक्शन अंडर एनफोर्स रहे, राइट। तो हम इसे क्या कहेंगे, से 5 नंबर्स। तो यहाँ पे मुझे लिखने दीजिए, ये विड्थ हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं 250, ये डेप्थ स्मॉल डी 450, कैपिटल डी 500, राइट। यहाँ पे हम कितने बार प्रोवाइड कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, कौन से 5 ऑफ 16 mm के 5 बार हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बचता है, वो है AST प्रोवाइडेड। तो हम AST प्रोवाइडेड कैलकुलेट करते हैं, AST प्रोवाइडेड। अब जो AST प्रोवाइडेड है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कितने बार्स प्रोवाइड कर रहे हैं हम 5, कितने mm के 16 mm के, तो हमें पता है एक बार का एरिया कितना है 201.6, तो AST प्रोवाइडेड जो है वो हो जाएगा 1005.3 mm square, ठीक है। AST रिक्वायर्ड कितना था 896.4, लेकिन ये राउंड अप होने के वजह से हमने प्रोवाइड कितना किया 1005.3। अभी इसके लिए पीटी कैलकुलेट करेंगे, फॉर दिस पीटी प्रोवाइडेड क्या आएगा 1005.3 डिवाइडेड बाय बी इनटू स्मॉल डी 450, तो पीटी प्रोवाइडेड आता है 0.894%। और अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि अंडर एनफोर्स सेक्शन के लिए क्या कंडीशन है ना, एक कंडीशन कही थी पीटी प्रोवाइडेड शुड बी लेस देन पीटी लिमिट। अब पीटी प्रोवाइडेड कितना है 0.89 और पीटी लिमिट कितना है 0.96%, सो इट इज लेस देन एंड हेंस ओके डन। सो दिस इज हाउ द डिजाइन कैलकुलेशंस आर डन। इन दिस डिजाइन कैलकुलेशंस वी डिसाइडेड व्हाट शुड बी द विड्थ, व्हाट शुड बी द डेप्थ। वी कैलकुलेटेड टू टाइम्स डेप्थ, वन फॉर सर्विसेबिलिटी, सेकेंड फॉर कोलैप्स, राइट। ऑल्सो वी हैव कैलकुलेटेड AST एंड वी हैव टेकन केयर दैट अवर बीम शुड बी अंडर इन्फोर्स, इट शुड नॉट बी ओवर इन्फोर्स। इन एडिशन टू दैट वी हैव ऑल्सो सीन दैट इट शुड बी इकोनॉमिकल, क्योंकि हमने जो अभी कैलकुलेशंस किए उसमें हमारा बीम अगर आप देखोगे तो 0.89% हमने प्रोवाइड किया, विच इज़ वेरी नियर टू 0.96%। तो हम इसे बैलेंस सेक्शन भी कह सकते हैं, आवर सेक्शन इज वेरी नियर टू द बैलेंस सेक्शन, राइट।
So thank you. Hope you have understood this numerical. In case of any query, please comment in the comment box. Thank you.